तो आज कुंवर नारायण जी के साथ में उनके घर में उनकी भी पसंद की और मेरी भी पसंद की एक कविता, अमीर खुसरो। हाँ गयास, दिल्ली के इसी डगमगाते तख्त पर एक नहीं 11 बादशाहों को बनते और उजड़ते देखा है। ऊब गया हूँ इस शाही खेल तमाशे से, यह तुगलकनामा बस बस और नहीं। बाकी जिंदगी मुझे जीने दो, सुल्तानों के हुक्म की तरह नहीं, एक कवि के ख्यालात की तरह आज़ाद, एक पद्मिनी के सौंदर्य की तरह स्वाभिमानी, एक देवल रानी के प्यार की तरह मासूम, एक गोपाल नायक के संगीत की तरह उदात्त और एक निज़ामुद्दीन औलिया की तरह पाक। गयास एक स्वप्न देखता है। अब्बा जान, उस संगीत में तो आपकी जीत हुई थी। नहीं बेटा, हम दोनों हार गए थे। दरबार जीता था, मैंने बनाए थे जो कानून, उसमें सिर्फ मेरी ही जीत की गुंजाइश थी। मैं ही जीतूं, यह मेरी नहीं आलमपनाह की ख्वाहिश थी। खुसरो जानता है अपने दिल में, उस दिन भी सुल्तानी आतंक ही जीता था अपनी महफिल में। भूल जाना मेरे बच्चे के, खुसरो दरबारी था। वह एक ख्वाब था जो कभी संगीत, कभी कविता, कभी भाषा, कभी दर्शन से बनता था। वह एक नरशंस युग की सबसे जटिल पहेली था जिसे सातों बादशाहों ने बूझने की कोशिश की। खुसरो एक रहस्य था जो एक गीत गुनगुनाते हुए इतिहास की एक बहुत कठिन डगर से गुजर गया था। सर, गुस्ताखी पढ़ने की चीज़।